नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस पे। दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। इसलिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पाया हूं यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए दोस्तों कुछ टाइम नहीं था मेरे पास, मैं प्रॉब्लम में था। आई होप आप लोग प्रॉब्लम्स को समझ सकते होंगे, मैं उसको यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, मैं वीडियो आपको दे नहीं पाया। साथ ही साथ क्या हुआ था कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे या कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले साल की कक्षाओं को अटेंड करके या जो भी चीज़ मैंने पिछले साल पढ़ाई थी 2019-18 में, तो उसको आपने क्या किया, उसको आपने समझा और समझ के क्या किया, पेपर दिया। दोस्तों क्या हुआ, यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि मैंने जो पढ़ा रखा है पिछले वीडियोस में, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं। आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी को ये पता है। तो दोस्तों उसी की कड़ी में सुपर टेट आने वाला है। कब तक आ जाएगा इसका भी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फरवरी तक आ सकता है, फरवरी वीकेंड तक, लास्ट वीकेंड तक ये आ सकता है। साथ ही साथ सुपर टेट के साथ दोस्तों सबसे पहला क्या है, सुपर टेट, इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग तैयारी करेंगे किसकी, एमपी टेट की, फिर बीईओ यानी आपका खंड शिक्षा अधिकारी, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। सुपर टेट की तैयारी करेंगे, साथ ही साथ इसका तैयारी भी हमारा होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको चैनल पे बने रहना है और क्या करना है, नोट्स बनाते रहना। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो मैं बेसिक से आप सभी को पढ़ाऊंगा, बेसिक से सारी चीजें आपको समझ में आएगी, जिससे क्या होगा कि आपके लिए वो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको नोट्स बनाते रहना। मैं एक एक पॉइंट, एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक से, एक एक सब्जेक्ट से मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया दोस्तों? और साथ ही साथ सबसे खुशी की बात क्या है कि इस चैनल पे आपके स्वास्थ्य क्लासेस पर दोस्तों, जी हाँ, स्वास्थ्य क्लासेस पे सिल्वर प्ले बटन आ गया है। यूट्यूब की तरफ से एक छोटा सा भेंट दिया गया है जो कि आप सबके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही संभव हो पाया है दोस्तों। ठीक है, आपके प्यार और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया दोस्तों। तो आइए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं अपने क्लासेस का एक छोटा सा उपहार यूट्यूब की तरफ से। तो दोस्तों ये सिल्वर प्ले बटन आ गया, सिल्वर प्ले बटन, इस पर लिखा है कि आप प्रेजेंटेड टू स्वास्थ्य क्लासेस फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों देखिए, ये है क्या आपके क्लासेस का सिल्वर प्ले बटन, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ओके, तो ये दोस्तों मैं आप सभी के नाम करता हूँ इसको, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है जो भी स्वास्थ्य क्लासेस को इतना प्यार दिए हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं सुपर टेट में हमको पढ़ना क्या है, सुपर टेट में हमको पढ़ना क्या है और एमपी टेट में क्या पढ़ना है, और जो बीईओ है, खंड शिक्षा अधिकारी है, उसके प्रिय में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले सुपर टेट में, सुपर टेट इसके लिए मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ पे देखिए दो खंड हैं, दो खंड रहेंगे दोस्तों। शुरुआत देखिए, अभी से शुरुआत अगर कर देते हैं तो आगे के लिए फायदा रहेगा। फायदा कैसा, अगर हम बेसिक से पढ़ेंगे तभी जाके आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये अब सभी को पता है। तो मैं जो भी नोट्स बनाऊंगा, नोट्स को क्या करना है कि आपको साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए सबसे पहले क्या आने वाला है दोस्तों, भाषा, लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होंगी आपका, हिंदी तो कंपलसरी है सभी को पता है, हिंदी, इंग्लिश और फिर संस्कृत, उर्दू नहीं रहेगा दोस्तों, उर्दू नहीं रहेगा इसमें, ये पिछले साल का सिलेबस में बता रहा हूँ, इसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अगर सिलेबस मान लो वाई दबे कोई भी चेंजेस आती है तो ज्यादा तो आएगा नहीं, जो भी चेंजेस आती है उसके हिसाब से हम लोग उसको ढाल लेंगे। चलिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो गया, और क्या हो गया दोस्तों आपका, मैथ, मैथ्स हो गया, और पर्यावरण, फिर आपका आ गया क्या, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये आपका आएगा ट्वेल्थ लेवल तक, ट्वेल्थ लेवल तक एनसीईआरटी और एसईआरटी, समझ गए? ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका आएगा क्या क्या, शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल, फिर आता है दोस्तों बाल मनोविज्ञान, फिर सूचना तकनीकी, उसके बाद आता क्या दोस्तों, जीवन कौशल, जीवन कौशल प्रबंधन, सॉरी जीवन कौशल प्रबंधन, प्रबंध एवं अभिवृत्ति,
ठीक है, जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति, ये सब आएगा दोस्तों आपके डीएलएड यानी बीटीसी, ये पूरा नाम है या डीएलएड से। ओके चलिए, तो भाषा में क्या क्या आ गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान। और इसमें क्या बोलते हैं कि दूसरे में क्या आ गया कि शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीक, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ओके चलिए, आगे एक चीज और आएगा दोस्तों आपका रीजनिंग, रीजनिंग, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया। ठीक, साथ ही साथ इतना तो हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है दोस्तों, आपका जनरल नॉलेज, GENERAL, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। पिछली बार की वीडियोस आप उठा के देख लीजिए दोस्तों, हर एक चीज, जो भी चीज मैंने पढ़ाई थी वही चीज सुपर टेट में आपके पूछा गया था। तो जनरल नॉलेज के जितने भी प्रश्न थे सभी स्वास्थ्य क्लासेस से आपको मिले थे, इस बार भी स्वास्थ्य क्लासेस से आपको सभी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हर एक चीज को समझिएगा, पढ़िएगा, जो ना आए वो आप कमेंट कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्ट मैसेज हमको कर सकते हैं। ओके, अमित शुक्ला 89, यहां से अगर आप हमको सर्च करेंगे इंस्टा पे तो आप हमें पा सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आप स्वास्थ्य क्लासेस सर्च करके, जो लोगो है यहां पे यूट्यूब पे वो आपको वहां पे मिलेगा, स्वास्थ्य क्लासेस सर्च करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 2.5K यानी कि लगभग 2500 तक स्टूडेंट्स वहां पे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं। तो क्या हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सुपर टेट में। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सुपर टेट में क्या पढ़ना है, भाषा हो गई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, पर्यावरण और आपका सामाजिक विज्ञान, फिर जनरल नॉलेज, रीजनिंग, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीक एवं जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति, ये सब आपको बीटीसी में मिलेंगे। अगर आपने बीटीसी किया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं सारी चीजें हाँ आपको बताऊंगा और बहुत इजी वे में बताऊंगा दोस्तों, सटीक बताऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा में हिट करे आपको, समझ गए। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कब कीजिएगा, जब आपको कंटेंट समझ में आए तभी आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा वीडियो को। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए, एम्पीटेट के लिए क्या चीज होती है, एम्पीटेट में क्या पढ़ना है, एम्पीटेट दोस्तों, एम्पीटेट के लिए क्या पढ़ना होगा, यूपीटेट की जो परीक्षा है अभी हाल ही में आपने 8 जनवरी को दिया, 8 जनवरी को आपने यूपीटेट का एग्जाम दिया है ना, यूपीटेट का एग्जाम जैसे आपने दिया है सभी को पता चल गया है कि उनके मार्क्स नियर अबाउट कितने होंगे, मार्क्स आप सभी को पता ही चल गया होगा है ना। तो इसी तरीके से सेम दोस्तों क्या होता है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके एम्पीटेट में भी, एम्पीटेट में भी कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। पहला क्या हो गया आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक, CDP। दूसरा क्या हो गया, लैंग्वेज हिंदी, फिर तीसरा संस्कृत या उर्दू, जो भी चीज आप सेलेक्ट करना चाहो, ओके या इंग्लिश। फिर आ गया क्या, एनवायरमेंट, फिर क्या आ गया, मैथ्स। इतनी चीज दोस्तों आपको क्या करना है, एम्पीटेट के लिए भी पढ़ना है। तो जो भी चीजें हैं, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस और एनवायरमेंट, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहां से, मैं दूंगा और क्या बोलते हैं उस पर टेलीग्राम पे भी मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से पढ़िएगा। बस एक काम कीजिएगा, जो भी चीज पढ़िएगा सटीक पढ़िएगा, और ना समझ में आए आप हमको कमेंट कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, सीधे मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अमित शुक्ला 89, यहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे फॉलो करके। ओके दोस्तों चलिए, आगे क्या हो गया, BEO खंड शिक्षा अधिकारी, यहां का जो प्री है, फर्स्ट पेपर है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारी वीडियोस आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल से सुपर टेट की और एमपीटेट और बीईओ की पहली क्लास आपको मिलेगी। तो अगर आपको लगता है आपको कोई सुझाव देना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो में, और कोई त्रुटि हो या कुछ आपको नई चीज़ें बतानी हो या क्या नई चीज़ें मेंशन की जाए या और कोई आपकी आपको इंक्वायरी करनी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।